लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे माहौल को वोट में बदलने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिम्मा उठाया है। यूपी में संघ और उससे जुड़े हुए सभी संगठन लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाएंगे। संघ भाजपा के लोकसभा चुनावों के लिए बनाए गए क्लस्टर की बैठकों में हिस्सा लेगा। संघ के स्थानीय पदाधिकारी 20-20 लोकसभा के लिए बनाए गए 4 क्लस्टर बैठकों में हिस्सा लेंगे। संघ की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले मद्देनजर 5,000 से ज्यादा बैठकें करेगा। इसकी शुरुआत कानपुर प्रांत से हुई है। यही नहीं, पदाधिकारी और स्वयंसेवक त्योहार में लोगों से घर घर जाकर मिलेंगे। संघ निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को पूरा करते हुए ही बैठकें करेगा। जानकारी के मुताबिक संघ इस बार होली के पहले से लेकर उसके बाद तक पिछली बार से कई गुना ज्यादा होली मिलन समारोह आयोजित करेगा। इनमें संघ के पदाधिकारी शामिल होंगे। होली के अलावा इस बीच पड़ने वाले दूसरे त्योहार भी लोगों के साथ मिलकर मनाने पर बैठक में जोर दिया गया। मंगलवार को इस संबंध में संघ की कानपुर प्रांत इकाई के 21 जिलों के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इस बैठक को पूरी तरह प्रचार प्रसार से दूर रखा गया। इसमें 300 से अधिक पदाधिकारी जो संघ के विभिन्न आयामों से आते हैं बुलाए गए थे।